गाइस, आज हम लोग आम का पन्ना बना रहे हैं। आम को पहले हम छोटा तंदूर लिए हैं, उस पर रख दिए हैं। देखिए किस तरह से पक रहा है, ये पक जाएगा। आमतौर पर लोग बॉयल करके आम का पन्ना बनाते हैं। बॉयल करके बनाने से उतना फायदा नहीं करता है, और आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और गर्मी में आम का पन्ना पीना काफी आवश्यक है। आम का पन्ना पीने से लू का असर नहीं होता है, गर्मी का असर नहीं होता है, अन्यथा गर्मी के असर से पाचन संबंधी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आम का पन्ना हम गैस अब तो लकड़ी पर खाना बनता नहीं है, लकड़ी के या कोयले के चूल्हे पर लोग पहले पकाते थे, गैस पर बनता है। तो ये छोटा तंदूर आपको आसानी से मिल जाएगा बाजार में। इस तरह का छोटा तंदूर आपको मिल जाएगा, इस तरह का बाजार में छोटा तंदूर आसानी से मिल जाता है। ये विभिन्न कंपनी का मिलता है ये, और इसे ले लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर पक रहा है। इसको हम पलट दिए हैं, देखिए इस साइड पक गया है, इस साइड भी थोड़ा देर पक जाएगा। आपको 5 से 10 मिनट समय लगेगा। मीडियम में गैस का फ्लेम रखेंगे। यहाँ ये हाई है, यहाँ हाई है, यहाँ ये लो है, ये मीडियम में देखिए पूरे आम में लग रहा है आग। और ये अच्छी तरह से पक जाएगा। इसे चम्मच से इधर उलट उलट कर आसानी से पका लेंगे, और इसका फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए ये कितना सुंदर पक रहा है। यहाँ से आपको ये वाष्प निकल रहा है, यहाँ से यानी ये पक रहा है अच्छी तरह। अब ये पूरी तरह से पक गया है, देखिए पक कर फट गया है और भाप निकल रहा है। अब इस गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पानी में रेस्ट करने देंगे। एक डेग में पानी लेंगे और इस पानी में इसे डाल देंगे, और डालकर इसे अब 4 घंटा आराम करने देंगे। ये 4 घंटा पानी में आराम करेगा, उसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा। अब हम पानी से आम को निकाल लिए हैं, इसका छिलका ऐसे निकाल देंगे। इसका छिलका इस तरह से पहले निकाल देंगे, ये छिलका को निकाल लिए हैं। अब गुद्दा को ये पानी में घोल देंगे, अच्छी तरह से इसे मिलाकर घोल देंगे इस तरह से। अब इसके गुद्दे को निकाल लिया गया है अच्छी तरह से। अब इसे हम इसके सहायता से अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसे हम एक शीशे के बॉल में इसे छान लेंगे अच्छी तरह से, इसे छान लेंगे। इस तरह से इसे छान लिए। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, ये साधारण नमक नहीं है, ये काला नमक है। काला नमक स्वादानुसार मिलाए, इतना काला नमक दिए, और रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, इतना रोस्टेड जीरा पाउडर डालें, और पुदीने के पत्ते डालेंगे थोड़ा, पुदीने के पत्ते डालेंगे थोड़ा, और इसे डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। देखिए हमारा कितने अच्छे आम के पन्ने तैयार हुए हैं। इसे पीने से लू नहीं लगता है। आप दिन भर कितना भी धूप में घूमे हैं, इसे शाम में ले लें, सारा धूप का असर समाप्त हो जाएगा। और ये पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है, और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये पेय पदार्थ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका आम पन्ना कैसा बना।